नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात आती है थर्मोडायनेमिक्स। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन एक्जीमेटिक ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। मैथमेटिक्स में दो टर्म होते हैं, पहले का नाम होता है थ्योरम और दूसरे का नाम होता है एक्जियम। थ्योरम ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो ट्रू है लेकिन जिसे हम प्रूव कर सकते हैं। एक्जियम ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो ट्रू तो है लेकिन जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सारी एक्जियम आती हैं, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्जियमेटिक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है या वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होता है इसकी स्टडी करते हैं। कुछ और समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एनर्जी, इससे हम एनर्जी का साइंस भी कहते हैं। एनर्जी कैन बी व्यूड एज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। एनर्जी हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेज में, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क या टू ब्रिंग द चेंजेस। द नेम थर्मोडायनेमिक्स हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थर्मे एंड डायनामिक्स विच गिव्स ए पिक्चर ऑफ अर्ली एफर्ट्स टू कन्वर्ट हीट इनटू पावर। जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो ग्रीक शब्द हैं थर्मे और डायनामिक्स, उनसे मिलकर बना हुआ है। थर्मे का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। शुरुआत में क्या किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, हीट को पावर में या वर्क में कन्वर्ट करने के प्रयास किए गए थे, तो वहीं से इसको अपना नाम मिला थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स वर्सेज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इससे हम मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स या माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। टू स्टडी मैटर देर आर टू पॉइंट्स ऑफ व्यू, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। हम मैटर को स्टडी करते हैं तो या तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें या माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब पानी एक गिलास में है अगर, या किसी बलून में गैस भरी हुई है, तो गैस को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो एक बल्क मैटर की तरह उसे हम देखने वाले हैं। इन द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड विदाउट कंसिडरिंग इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। हमने उदाहरण दिया कि बलून के अंदर अगर गैस है तो हम उस सर्टेन क्वांटिटी को स्टडी करते हैं कि इसमें क्या चेंज आ रहे हैं प्रेशर में या टेम्परेचर में या वॉल्यूम में, ये नहीं देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का मोशन कैसे हो रहा है, ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में नहीं देखते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हम क्या करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल माइक्रोस्कोप लेवल पर जाकर के मॉलिक्यूल्स को स्टडी नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू मैटर इज मेड अप ऑफ मायरेट्स और मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है हम जानते हैं। तो जब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ए मैटर इज ए गैस, ईच मॉलिक्यूल एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अज्यूम टू हैव पर्टिकुलर पोजिशन, वेलोसिटी एंड एनर्जी। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार, बोल्ट्जमैन ने, क्लॉसियस ने जो थ्योरी दी थी उसके अनुसार, हमेशा ही किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो किसी निश्चित समय पर उनकी पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी फिक्स होंगी, और ये समय के साथ बदलते रहते हैं मॉलिक्यूल्स की। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात हुई। बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट कोलिजंस दीज वैल्यू चेंजेस फ्रिक्वेंटली फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। चूँकि गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं, ये कहती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसीलिए ये जो वैल्यूज थी एनर्जी की, पोजीशन की, वेलोसिटी की, ये चेंज होती रहती है प्रत्येक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए। बाई समिंग अप बिहेवियर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स बिहेवियर ऑफ ए गैस कैन बी स्टडीड। अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को सम अप कर लें तो हम गैस के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ये बात हुई स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की। अब आता है सिस्टम। सिस्टम क्या है, जरा समझें ध्यान से, ये बड़ा सबसे महत्वपूर्ण टर्म है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। सिस्टम ए फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनी रीजन इन द स्पेस विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इन द एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम की एनालिसिस में अगर हम फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर को, मैटर की निश्चित मात्रा को, या एनी रीजन इन द स्पेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे आँख वाले डॉक्टर के लिए आँख एक सिस्टम है, वो आँख की स्टडी करता है कि भाई इस पर जो लाइट रेज आ रही हैं उनका किस तरह से इमेज बन रही है। किडनी वाले डॉक्टर के लिए किडनी एक सिस्टम है। तो अगर आप इंजन की स्टडी कर रहे हैं कि इंजन में कितनी हीट आई, कितना वर्क डेवलप हुआ, कितना मैटर इसके अंदर कंटेंट है, क्या टेम्परेचर है, कितनी इसकी इंटरनल एनर्जी है, तो इंजन आपके लिए सिस्टम बन जाएगा। अगर यही चीज़ आप एसी के लिए देख रहे हैं कि एसी कितनी बिजली कंज्यूम करता है, कितना हीट रिमूव कर देता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है,
तो ए सी एक सिस्टम बन जाएगा। तो ए फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर एनी रीजन इन द स्पेस जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कौन करता है, या तो स्टूडेंट करता है या वैज्ञानिक करता है या एनी पर्सन हु इज हैविंग इंटरेस्ट। जैसे किसी मॉल में अगर एसी लगाया जाना है तो जो एसी लगाने के लिए इंजीनियर है उसको स्टडी करना है कि मॉल के अंदर एसी इंस्टॉल करना है, तो वो स्टडी करेगा पूरे सिस्टम को, लोड कितना आएगा, कितनी कूलिंग चाहिए हमें, कितना टेम्परेचर रहता है इस एरिया में, तो उसके लिए वो सिस्टम बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या, इसका रेफ्रिजरेटर एक सिस्टम है, टर्माइन चाहे गैस टर्माइन हो वो एक सिस्टम है, चाहे आपकी स्टीम टर्माइन हो वो भी सिस्टम है, कंडेंसर हैं, पावर प्लांट हैं, हीट इंजन है, ये सभी सिस्टम हैं, एसी है, एसी भी एक सिस्टम है। जब हम इसे फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर से बात करते हैं तो वो क्वांटिटी फिर फिक्स रहती है और ऐसा सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम, और एनी रीजन इन द स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है और ऐसा सिस्टम हो सकता है हमारा ओपन सिस्टम। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स क्या है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट। सिस्टम के अलावा जो कुछ है इस यूनिवर्स के अंदर वो क्या है, सराउंडिंग है। जैसे घर में एसी लगा हुआ है तो हम एसी की स्टडी कर रहे हैं, तो एसी को छोड़कर जो भी कुछ है यूनिवर्स के अंदर सब सराउंडिंग है। अगर आप इंजन की स्टडी कर रहे हैं तो इंजन को छोड़ करके इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ है वो सब सराउंडिंग है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं या एनवायरमेंट बोलते हैं। डायग्राम में आप देखिए, सिस्टम आपको दिख रहा है, उसकी एक बाउंड्री दिख रही है और सराउंडिंग आपको नजर आ रहा है। सब कुछ सिस्टम के अलावा सब कुछ जो है वो सराउंडिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है बाउंड्री, बाउंड्री सेपरेट से सिस्टम, सेपरेट से सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बाउंड्री क्या करती है, सराउंडिंग से सिस्टम को सेपरेट करती है। जैसे आपकी घर की बाउंड्री है तो घर की बाउंड्री आपके घर को, आपके आशियाने को सेपरेट करती है सराउंडिंग से। रियल और हाइपोथेटिकल एनवलप एनक्लोजिंग सिस्टम इज नोन एज बाउंड्री। किसी सिस्टम का वास्तविक या आभासी जो एक आवरण होता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। जैसे अगर कहीं पे एलपीजी लीक कर रही है तो एलपीजी की जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, हाइपोथेटिकल होगी, वो रियल बाउंड्री नहीं होगी। तो वो उसके सिस्टम, उसका जो बाउंड्री होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइपोथेटिकल बाउंड्री हो जाएगी। लेकिन अगर इंजन की बात करें, इंजन के अंदर पेट्रोल जल रही है, तो जो पेट्रोल जल रही है वो जो इंजन की बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। आगे लिखा भी है, क्या लिखा है, इट मे बी फिक्स और मूवेबल। जो बाउंड्री है वो फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तीन प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको समझने चाहिए। पहला ओपन सिस्टम, आप डायग्राम में देखिए एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी बाहर जा रही है, मैटर अंदर आ रहा है, मैटर बाहर जा रहा है। तो क्या है ये सिस्टम, इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ, अपने वातावरण के साथ हीट और मास दोनों का आदान प्रदान कर सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी को अगर हम स्टडी करें किस पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या, ह्यूमन बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग के साथ हीट का आदान प्रदान करती है। अगर बाहर गर्मी हो तो हमारी बॉडी गर्म होने लग जाती है, बाहर सर्दी हो तो हमारी बॉडी हीट खोने लग जाती है। हमारी बॉडी पसीने के रूप में, मॉइस्चर के रूप में मास भी लगातार खोती रहती है। जब हम बोल रहे होते हैं तो मॉइस्चर खो रही होती है, तो हमारी बॉडी सराउंडिंग के साथ हीट का ट्रांसफर भी कर रही होती है और मास का ट्रांसफर भी कर रही होती है। मतलब ओपन है ये, हीट भी जा सकती है और मास भी जा सकते हैं। मतलब ये दोनों क्वांटिटी की बात आपको करनी होगी, किसकी, हीट की एंड मास की, हीट या मैटर की बोल सकते हैं, कुछ लोग एनर्जी मैटर भी लिख देते हैं। इंजन है तो इंजन के अंदर जो हीट है वो बाहर जाती है, जब इंजन चल रहा होता है किससे जाती है, साइलेंसर की जो धुआं निकल रहा है उससे जाती है। धुआं निकल रहा है मतलब मास बाहर आ रहा है, गैस के रूप में मास बाहर आ रहा है, मास भी बाहर जाता है, पेट्रोल अंदर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने वातावरण के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरमेंट के साथ मास का यानी मैटर का, हीट का या एनर्जी का आदान प्रदान कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। आगे क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम डायग्राम में आप देखेंगे एनर्जी इन एनर्जी आउट, मास की बात नहीं हो रही है। ऐसा सिस्टम जो केवल एनर्जी का आदान प्रदान कर सकता है, मास का नहीं कर सकता है, उसे हम बोलते हैं वो क्लोज सिस्टम। एक ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, देर इज नो इंट्रैक्शन ऑफ मास बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग। मास का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। जैसे बिस्लरी की पानी की बोतल है जो क्लोज है, जिसकी सील आपने नहीं खोली हुई है, अगर आप उसे बाहर रख देंगे तो गर्म हो जाएगी, मतलब सराउंडिंग से उसने हीट ले ली। फ्रिज में रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी, मतलब उसने सराउंडिंग को हीट खो दी। तो वो हीट का आदान प्रदान तो कर रही है, लेकिन जब तक उस आपने खोला नहीं, उसका ढक्कन नहीं ओपन किया है, तब तक मास का आदान प्रदान नहीं कर रही है। तो जब से ये पैक हुई और जब तक ये खुली, पानी की बोतल बिस्लरी की जब तक खुली, उसके दरमियान ये क्लोज सिस्टम की तरह व्यवहार करती है। अब है आइसोलेटेड सिस्टम।
कोरोना काल में सभी लोगों ने आइसोलेशन अच्छे से समझ लिया कि होम आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन में एक व्यक्ति को अलग थलग कर देते हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं रखते। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग से कोई संपर्क नहीं रखता हो, ना हीट का ना मास का। ए सिस्टम इन विच देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंड के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ना तो मास दे सकता है ना मास ले सकता है, ना हीट दे सकता है ना हीट ले सकता है। इसका उदाहरण यूनिवर्स है, और प्रैक्टिकल उदाहरण इसका नहीं है लेकिन थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं। जैसे थर्मस है, थर्मस के अंदर आपने चाय पैक की, मान ली आप यहाँ से यात्रा कर रहे हैं दिल्ली की, आपकी दादी जा रही है, उनको चाय घर की चाय पीनी है, तो आपने चाय उसके अंदर रख ली, तो चाय रख ली यहाँ से उनको दिल्ली चाय पीनी है, तो जब आपने चाय पैक की, गर्म चाय रखी हुई है, तो गर्म चाय ना तो अपनी हीट बाहर खो रही है, ना बाहर से हीट प्राप्त कर रही है, ना ही चाय बाहर जा रही है, ना अपनी जो वेपर है उसको बाहर खो रही है, ना वो अंदर आ रहा है कुछ। तो जब आपने थर्मस में पैक कर दी चाय और जब तक नहीं खोली, उस दौरान हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मान सकते हैं। वैसे यूनिवर्स इसका सही उदाहरण है, यूनिवर्स तो जो है उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आ गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्जर्वेबल, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आइडेंटिफिएबल, पहचान सकते हो, एंड मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम आर सेड टू बी प्रॉपर्टी। दे आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर, प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो जैसे हम बात करें लव या हेट, इंटेलिजेंस, ये किसी इंसान की प्रॉपर्टी तो हैं, हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि भाई पिता बच्चे से प्यार कर रहा है तो हमें दिख रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पिता का स्नेह या माता का स्नेह बच्चे के लिए है, लेकिन मेजरेबल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये जो प्यार माँ अपने बेटे से कर रही है तो या अपने पति से कर रही है या किसी और से प्यार कर रही है वो, तो उसको हम कंपेयर करके नहीं बता सकते हैं कि ये प्यार कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, मेजरेबल नहीं है ये। तो क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्वेबल, आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम आर सेट टू बी प्रॉपर्टी, दे आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्लास में पानी भरा हुआ है, ड्रम में पानी भरा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि ड्रम के पानी की वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्लास के पानी की वॉल्यूम कम है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब ये सिस्टम के कोऑर्डिनेट भी होते हैं। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, उसी प्रकार से प्रॉपर्टी भी कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं। टाइप्स, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जरा समझते हैं हम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे निर्भर ना करती हो, उसमें आता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक ग्लास पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, एक ड्रम पानी का तापमान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता वो। प्रेशर भी यही है, प्रेशर भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे निर्भर नहीं करती। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखें तो ऐसी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मास पे निर्भर नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हो, जैसे वॉल्यूम है, एक ड्रम पानी की वॉल्यूम ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, एक ग्लास पानी की वॉल्यूम कम होगी क्योंकि उसका मास कम है। अब स्टेट, कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यू। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो वैल्यूज है प्रॉपर्टीज की वो फिक्स हो। जैसे आप डायग्राम में देखिए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में दिख रहा है, प्रेशर है वर्टिकल एक्सिस पे, वॉल्यूम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो वन पॉइंट पर प्रेशर की फिक्स वैल्यू होगी, वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी। ऐसा टू पर होगा तो वन एक स्टेट है, टू भी एक स्टेट है। तो स्टेट क्या है? जहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं स्टेट। जैसे जब आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास में तो आपकी वैल्यू फिक्स है, आपकी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करते हैं आप, वैल्यू फिक्स है। जैसे आप नाइन्थ क्लास में हैं, ये वैल्यू आपकी, आप टेंथ में पहुँचेंगे तो आपकी वैल्यू बदल जाएगी, आप टेंथ क्लास में हैं, आपकी उम्र भी बदल जाएगी। अभी आप मान लीजिए नाइन्थ क्लास में आप 14 साल के हैं, तो जब आप टेंथ में पहुँचेंगे तब 15 के होंगे। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज वो फिक्स रहती हैं, कहाँ पर? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। चेंज ऑफ स्टेट, एनी ऑपरेशन इन विच वन और मोर प्रॉपर्टी चेंज इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी ऑपरेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बदल जाते हैं उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। पाथ, सक्सेशन ऑफ स्टेट्स पास थ्रू ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। जब हमारा क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, तो उनके द्वारा जो तय किया गया रास्ता है, स्टेट्स के द्वारा तय किया गया रास्ता है,
जो सक्सेसन है उसे हम बोलते हैं पाथ। और जब ये पाथ प्रॉपरली डिफाइंड होता है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस। व्हेन द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। जैसे 1 से 2 तक हम जाएंगे तो 1 से 2 तक क्या है, पाथ स्पेसिफाइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक प्रोसेस कहेंगे। लेकिन हम कहते हैं 1 से 2 चेंज हुआ लेकिन पाथ स्पेसिफाई ना हो तो आप उसे प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। अब है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ए प्रोसेस विच कैन बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज एंड रिवर्स सो दैट सिस्टम सराउंडिंग्स आर एग्जैक्टली रेस्टोर टू देयर इनिशियल स्टेट्स। बहुत धीमे धीमे होने वाली प्रोसेस कि हम उसे कहीं भी रोक दें और वापस उसी स्थिति में ले जाएं जहाँ से शुरू हुई थी, तो उसे हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। जैसे आप देखिए एक डायग्राम में आपको एक पिस्टन नजर आ रहा है और सिलेंडर है, एक गैस भरी हुई है, उसके ऊपर वेट रखा हुआ है, वेट की प्लेट रखेंगे अलग अलग कलर की आपको दिख रही है। तो अगर हम मान लीजिए उदाहरण के लिए जो वेट रखा हुआ है वो 10 kg रखा हुआ है, अगर 10 kg में 10-10 ग्राम वेट कम करते जाएँ तो जो स्टेट चेंज आएंगी वो लगभग इक्विलिब्रियम में रहेंगी, प्रेशर उतना कम ज़्यादा नहीं होगा। 10 ग्राम वेट हमने कम किया तो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ेगी, ज़्यादा चेंज तो आने वाला नहीं, थोड़ा सा प्रेशर घटेगा, तो लगभग इक्विलिब्रियम स्टेट रहेंगी वहाँ पे। मतलब दो स्टेट के बीच में जो चेंज हुआ वो कैसा होगा, लगभग इक्विलिब्रियम में होगा। तो धीमे धीमे करके हम क्या करते जाएँ, इनिशियल स्टेट आपको दिख रही है फाइनल स्टेट तक पहुँच जाएँ, सारा वेट हटा दें तो ये पिस्टन क्या होगा, फ्री होकर ऊपर चला जाएगा। तो कैसी प्रोसेस है, बहुत स्लो चलने वाली प्रोसेस है और जिसे हम कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस भी है ये। इट मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने आपको बताया कि इसमें एक से दूसरी स्टेट में हम जाते हैं तो धीमे धीमे होने वाले चेंज जो हैं, धीमे धीमे होने वाले चेंज कि लगभग आपको लगे कि कोई अंतर नहीं आया। जैसे आप अगर वजन घटाना शुरू करें तो आज आप लगातार आप दौड़ देना शुरू करें तो आपको पर डे जो आपकी स्टेट रहेगी, आज जो स्टेट है कल जो स्टेट है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कल जो है परसों उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन 6 महीने में देखेंगे तो बहुत चेंज आ जाएगा। तो लेकिन जो पाथ आपका है वो कैसा है, लगभग इक्विलिब्रियम में रहा, आज से कल में कोई खास चेंज नहीं आता, कल से परसों में कोई खास नहीं आता, हो सकता है 150 ग्राम वेट घट जाए लेकिन 6 महीने में काफ़ी चेंज आ जाएगा। तो ये इट मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। आगे इनफाइनाइट स्लोनेस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोसेस। इनफाइनाइट स्लोनेस, काफ़ी स्लो चलने वाली प्रोसेस है ये। फिर है साइकिल, इस सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस परफॉर्म इन सच ए मैनर दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर आइडेंटिकल इज सेड टू बी साइकिल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की ऐसी श्रृंखला उसे इस प्रकार से किया जाए कि प्रारंभिक और अंतिम स्टेट समान हो। जैसे आप डायग्राम में देखिए टेम्परेचर और एस, एस होता है यहाँ पे एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में। हम 1 से 2 पर गए एक प्रोसेस हुई, 2 से 3 पे गए दूसरी प्रोसेस हुई, 3 से 4 पे गए एक प्रोसेस हुई, और 4 से 1 पे गए तो एक और प्रोसेस हुई, लौटकर 1 से चले 1 पे ही लौटकर आ गई। तो ये क्या है, सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसी आइडेंटिकल सेम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, और साइकिल में क्लोज लूप बनना चाहिए। फेज, ए क्वांटिटी ऑफ मैटर होमोजेनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए फेज। अगर हम मैटर की कोई क्वांटिटी ले लें, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा हो, होमोजेनियस हो और फिजिकल स्ट्रक्चर सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं फेज। जैसे लिक्विड फेज, गैसियस फेज, या आपका है सॉलिड फेज, ये 3 फेज होते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ए सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है यदि निम्नलिखित 3 कंडीशन का पालन होता हो। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कब है, ए सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर इन द सिस्टम। मान ली अगर हम कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में प्रत्येक पॉइंट पर एयर का टेम्परेचर सेम हो, प्रत्येक पॉइंट पर सेम हो, नो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इनसाइड द सिस्टम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, लेकिन अगर हम सिर्फ सिगड़ी जला दें, हीटर जला दें, तो हीटर से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर चल रहा होगा गैस के अंदर ही, कमरे के अंदर, तो उस समय वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इफ ऑल द फोर्सेस एंड मूवमेंट्स विद इन द सिस्टम आर बैलेंस्ड एंड नो मूवमेंट ऑफ मास फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज टेकिंग प्लेस, देन सिस्टम इज सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो, कोई भी अनबैलेंस मूवमेंट ना हो, और मास एक जगह से दूसरे तक मूव ना कर रहा हो। अगर आप किचन में LPG सिलेंडर की नॉब खोल देंगे तो क्या होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा था सिलेंडर के अंदर तो मास मूव करना चालू हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो मास मूव कर रहा है मतलब सारे जो फोर्सेज वो बैलेंस नहीं है, तो उस समय वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। किसी सिस्टम के अंदर मास का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, सारे फोर्सेज बैलेंस हो, सारे मूवमेंट्स बैलेंस हो, तो हम उसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
अगर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इफ केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट एंड नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल कंपोजिशन कैसा हो, समान हो। मोर ओवर इफ ए रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सच ए सिस्टम इज सेट टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम बोलते हैं अगर रिएक्शन हो भी रही है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कई बार मम्मी आपको दूध देती है पीने के लिए, तो उन्होंने दूध में क्या चीनी डाली और चीनी घोल दी, तो आप दूध पीते हैं तो आप पाते हैं कि ऊपर दूध जो है वो थोड़ा फीका है, नीचे कैसा है, ज़्यादा मीठा है। तो उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, ऊपर क्या है गिलास में दूध ज़्यादा चीनी कम और बॉटम में क्या है चीनी ज़्यादा दूध कम, तो पूरे में केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है और केमिकल रिएक्शन भी हो रही है उसके अंदर। कैसे हो रही है, केमिकल चीनी जो है लगातार घुल रही है, किसके अंदर घुल रही है, दूध के अंदर घुल रही है, तो उस समय वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।